अस्सलाम वालेकुम। अम्मीज़ किचन में मैं हर्षला आपको एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अम्मी खैरियत से हैं, आप सबकी दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया अम्मीज़ किचन को इतना पसंद करने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए और रेसिपीज़ को ट्राई करने के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत ही शुक्रिया। इसी तरह से आप लोग देखते रहिए अम्मीज़ किचन में, आगे और भी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनने वाली हैं। आज हम बहुत ही मज़ेदार सा जो है लाल वाला लोबिया और कीमा बनाने जा रहे हैं। आप लोग इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए, साथ ही प्रोसीजर भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमने एक जो है एक प्याली कुकिंग ऑयल डाल लिया है और इसमें ये एक बड़ी प्याज यूज डाली है। इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। इस प्याज को एक बड़ी प्याज ली है। देखिए व्यूअर्स, ये प्याज ब्राउन हो गई है हल्की सी। अब ये 1 टेबलस्पून साबुत जीरा डाल रहे हैं, साथ ही ये 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। करेंगे अच्छे से और ये मसाले डालने हैं। 1 टेबलस्पून पिसी हुई मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च और 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर लिया है और ये 3 टमाटर लिए हैं। ये 3 टमाटर डाल लिए हैं साथ ही सब चीज़ों को। और देखिए व्यूअर, ये हमने 3 पाव कीमा लिया है, ये डाल दिया है इसके अंदर। ये डाल रहे हैं 3 पाव लिया है। देखिए कितना अच्छा सस्ता कलर आ गया है। देखिए व्यूअर्स, ये 10 मिनट तक हमने इसको कुक भुना है गोश्त को। और अब जो है इसको थोड़ा सा पानी डाल के रख देंगे ताकि ये गल जाए गोश्त। तकरीबन जो है हम 1 बड़ा कप पानी डाल रहे हैं और इसको अब ये नमक भी डाल रहे हैं हम। 1 टेबलस्पून डाला है नमक, आप लोग टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और अब जो है इसको ढक रहे हैं और आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि ये कीमा गल जाए। देखिए व्यूअर्स, ये जो है हम आधे घंटे बाद देखा है और ये कीमा जो है गल चुका है। और अब इसके साथ हम लोबिया डालेंगे। ये एक पाव लोबिया लिया है, लाल वाला लोबिया लिया है। इसको हमने बॉयल कर लिया है। ये देखिए पूरे ये बॉयल हैं और बाकी जो कसर है वो इसके अंदर जो है अभी पानी है तो वो पक जाएंगे। ये हम बॉयल हुआ लाल लोबिया डाल रहे हैं। 1 पाव लिया है और 3 पाव गोश्त की क्वांटिटी में ये हम मज़ेदार सा लाल लोबिया कीमा बना रहे हैं। और अब ये इसको फिर रख देते हैं 10 मिनट के लिए ढक के रख रहे हैं ताकि ये लोबिया और कीमा जो रह गया है कसर वो हो जाए पूरी। देखिए व्यूअर्स, ये 10 मिनट बाद देख रहे हैं और देखिए पानी सारा ड्राई हो गया है और ये कीमा और लोबिया जो है बहुत ही मुकम्मल तौर पर गल चुका है। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। और ये 1 टेबलस्पून गरम मसाला डाल रहे हैं और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें 5 से 6 और ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल रहे हैं। देखिए कितना अच्छा सा कलरफुल ये मज़ेदार सा लाल लोबिया कीमा तैयार हो चुका है। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। और देखिए डन हो गया है मज़ेदार सा लोबिया लाल लोबिया कीमा। इसको डिश आउट करें। और देखिए व्यूअर्स, ये डन हो गया है मज़ेदार सा लाल लोबिया कीमा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी मज़ेदार से लाल लोबिया कीमे की रेसिपी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। और अगर अभी तक आप लोगों ने अम्मीज़ किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। कल फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अम्मीज़ किचन की रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।